65 लेटर दिया है तलवाड़ा और दाबाड़ी की मुखालफत में और तलवाड़ा डैम की हिफाजत के लिए, तो मुफ्ती साहब ने उस पर एक मरतबा काम किया है क्या? अगर वो बोलेंगे तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि वो आकर बैठे मीडिया सेंटर में बैठे या जहां वो मीडिया वालों को बुलाएंगे वहां मैं आकर मेरे पेपर्स के साथ हाजिर रहूंगा, प्रोसीडिंग के साथ हाजिर रहूंगा। मगर आज हम समाजवादी पार्टी की तरफ से तलवाड़ा डैम पर आए हैं, नई पाइपलाइन की जो मंजूरी हुई थी वो मंजूरी के लिए हमने मुसलसल कोशिश की थी। 1/9/2022 को कॉरपोरेशन में उस वक्त के गोसावी साहब जो कमिश्नर थे और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से हमने मीटिंग करके एक प्रस्ताव बनवाया था, वो प्रस्ताव की कॉपी है और ये प्रधान सचिव नगर विकास के नाम से हमने भिजवाया। इसके ऊपर काम नहीं हुआ, उसके बाद हमने दूसरा प्रस्ताव बनवाया जो 26/7/2022 को प्रधान सचिव के ही नाम से था और उसमें हमने ये दिया कि यार ये 1975 की डाली हुई पाइपलाइन है, करीब करीब 50 साल हो गया है, तो अटल अमृत योजना 2.0 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उस स्कीम में यहाँ की पाइपलाइन मंजूर की जाए। और ये सारा शहर जानता है कि दाबाड़ी को पानी देने के वाक़े से लेकर आज तक तलवाड़ा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अगर किसी ने लिया तो समाजवादियों ने लिया, और ये पाइपलाइन जब उसको बोगस तरीके से डाली गई वो हमने निकलवाई। ऐसे 65 लेटर हमने पाइपलाइन और दाबाड़ी के ताल्लुक से दिए। हम पाइपलाइन पर जोर इसलिए दे रहे थे मुसलसल कि पाइपलाइन का जो मामला था वो हमको एक बात समझ रही थी कि धीरे धीरे फिरका परस्त जो है वो तलवाड़ा डैम पर नज़र लगाए हुए बैठे हैं, और ये बात बोली जाती है कि जैसे ही हम ज़्यादा पानी लेते हैं तो पानी की पाइपलाइन लीकेज हो जाती। इसी ताल्लुक से हमने फिर जब 2 लेटर बाकायदा इसकी प्रोसीडिंग है वाटर सप्लाई में, आप लोग भी देख सकते और मुखालफिन भी देख सकते कि हमने जब मीटिंग ली तो उसकी प्रोसीडिंग बनी और प्रधान सचिव को दिया गया। आपके नाम से उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि यार नेहल भाई के यहाँ से तुम आए हो तो मैं ये काम ज़रूर करके दूंगा, और उस वक्त उन्होंने कहा कि ये काम अकेले मेरा नहीं है, जैन पाटिल से मैं बात करूंगा। हम जैन पाटिल के पास भी गए, जैन पाटिल को भी हमने नेहल साहब के नाम से बात की और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे। वो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। हम इसलिए ये कोशिश बार बार कर रहे थे कि आज की पोजिशन में 15 MLD पानी जो है वो तलवाड़ा से लिया जाता और 70 MLD पानी गिरना डैम से लिया जाता। मैं इससे पहले ये बोला कि 5% जो पानी पट्टी मुसलसल बढ़ रही है उसकी अहम वजह यह है कि हम ना नफा ना नुकसान के नाम पर जो वाटर सप्लाई काम कर रहा है या कॉरपोरेशन जो काम कर रही है वो गिरना डैम स्कीम आने के बाद, उसमें हम ना नफा ना नुकसान की कैटेगरी में आ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन हम गिरना डैम से पानी ज़्यादा लेते जा रहे हैं और तलवाड़ा से कम करते जा रहे हैं। ये तलवाड़ा का पानी जो है ये इतना अच्छा पानी माना जाता है कि नेहल साहब बोलते थे कि चंकापुर जो हमारा डैम है वहाँ पर नीलगिरी के दरख्तों से होते हुए ये पानी आता है और बहुत अच्छा पानी ये सेहत के लिए है। गिरना डैम के पानी का सबको पता है लेकिन हम चाहते हैं कि गिरना डैम से जितना पानी लिया जा रहा है उतना ही पानी तलवाड़ा से लिया जाए, इसलिए हमने उस पाइपलाइन के लिए मुसलसल कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि ये जो तलवाड़ा डैम है ये नेहल साहब के वक्त जब मेयर थे उस वक्त इसकी तौसी की गई 43 MCFT से 87 MCFT हुआ, मगर 87 MCFT होने के बाद 2007 के बाद इसका जो फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि ये पाइपलाइन नहीं है। लेकिन मौजूदा MLA जो मैंने सियासत में इतना झूठ बोलने वाला कोई MLA आज तक नहीं देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट को जिसका अलिप भी उनको नहीं मालूम है। मैं अगर ये दावा करता हूँ कि 65 लेटर हमने दाबाड़ी की मुखालफत में और तलवाड़ा की पाइपलाइन और तलवाड़ा की हिफाजत के लिए दिया है, मुफ्ती साहब एक ऑफिशियल अगर कलेक्टर ऑफिस में दाबाड़ी को पानी देने का एग्रीमेंट पर बात हो रही थी, 2 मरतबा मीटिंग हुई, 1 लेटर वो बताएं कि वो मीटिंग में हाजिर थे उसकी मुखालफत किए, या इस ताल्लुक से ऑफिशियल उन्होंने कोई मीटिंग लिया या मेरे साथ बैठकर बात करें कि अगर हमने 65 लेटर दिया है तलवाड़ा और दाबाड़ी की मुखालफत में और तलवाड़ा डैम की हिफाजत के लिए
तो मुफ्ती साहब ने उस पर एक मरतबा काम किया है क्या? अगर वो बोलेंगे तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि वो आकर बैठे मीडिया सेंटर में बैठे या जहां वो मीडिया वालों को बुलाएंगे वहां मैं आकर मेरे पेपर्स के साथ हाजिर रहूंगा, प्रोसीडिंग के साथ हाजिर रहूंगा, मगर मैं यही बोलूंगा इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में अपना काम बताइए, मगर झूठ बोलना, मुसलसल झूठ बोलना जिसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं, जिसका अलिफ बे तुमको पता नहीं है, तुमको ये तक नहीं पता है कि तलवाड़ा से कितना पानी लिया जाता, गिरना डैम से कितना पानी लिया जाता, पाइपलाइन चंकापुर से तलवाड़ा तक पानी कैसे आता, तलवाड़ा से हमारे फिल्टर प्लांट तक पानी कैसे आता, एटीटी के फिल्टर प्लांट में कितना पानी आता, गिरना डैम के सायना के फिल्टर प्लांट में कितना पानी आता, इसकी कोई मालूमात मौजूदा एमएलए के पास नहीं है। उनको कोई मराठी नहीं समझती, उनको प्रशासन का काम नहीं समझता, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, मगर बस कोई एक लेटर उठा के लाएंगे या किसी मंत्री के पास कभी कोई फोटो खिंचा लिए हो उसको नुमाइंदगी बोलकर वो सारी बात करते हैं। मैं प्रोसीडिंग कॉरपोरेशन की मीटिंग की प्रोसीडिंग जिसमें तलवाड़ा को मंजूरी दे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मीटिंग ली, वो प्रोसीडिंग तक है हमारे पास, और उसके बाद अगर कोई झूठ बोलकर इस शहर को बेवकूफ़ बनाना चाहेगा तो हम ऐसे एमएलए की भी मजम्मत करते हैं, ऐसे एमएलए के साथ में जो लोग हैं जो झूठ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। आपने अगर कोई काम किया है तो वो शहर में दिखेगा, आप इगतपुरी जाकर अगर वहाँ खड़े रह के बोलेंगे कि ये काम मैंने किया है तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, लोग हंस रहे हैं आज के मौजूदा एमएलए पर।